ठीक है अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स से ठीक है तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या दिया जाएगा कि इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं इतने लोग बास्केटबॉल खेलते हैं इतने लोग दोनों खेलते हैं टोटल इतने लोग हैं कितने लोग एक ही पार्ट खेलते हैं कितने लोग ये करते हैं सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट के बारे में बात की जाएगी तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं ठीक है एक होता है जिसमें आ, क्या नाम है दो लोग होते हैं बेसिकली दो ग्रुप्स होते हैं ए एंड बी और एक होता है जिसमें दो से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं यानी तीन होते हैं ए बी एंड सी ठीक है तो पहला फॉर्मूला कहता है ए और बी में मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ ए और बी का ठीक है मान लो आ, ये है फुटबॉल ए वाले इसको लिख लेता हूँ फ़ुटबॉल और बी वाले हैं क्रिकेट ठीक है तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जिसमें अब तुम्हें इंटरसेक्शन और सब कुछ समझ में आ ही चुका है तो ऐसे तीन लोग हैं जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद आता है तो मैंने इनको बीच में लिख लिया ठीक है एक बंदा है जिसको सिर्फ़ फ़ुटबॉल पसंद आती है क्रिकेट पसंद नहीं आती एक बंदा है जिस नहीं आ, चार लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट वाले ज़्यादा हैं चार लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल नहीं खेलते और ऐसे दो लोग हैं जो फुटबॉल भी नहीं खेलते और क्रिकेट भी नहीं खेलते ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं नंबर्स लिखना चाहूँ तो नंबर इन यूनिवर्स कितना हुआ टोटल कितने लोग हैं तुम्हारे पास एक तीन चार चार आठ और दो तो दस टोटल दस लोग हैं ठीक है और कितने लोग हैं जिनको फुटबॉल पसंद है नंबर इन ए तो यह हो जाएगा वन प्लस थ्री यानी कि चार कितने लोग हैं जिनको दो पसंद जिनको आ, क्रिकेट पसंद है तो बी में कितने सर्कल में देखो काउंट करो थ्री प्लस फोर यानी कि सेवन ठीक है तो बी में सात लोग हैं और क्या निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ये एन का लिखने का तरीका है कि इसमें कितने नंबर हैं कितने लोग हैं जो ए और बी दोनों में हैं यानी कि फुटबॉल भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है तो वो जाएंगे तीन अच्छा एक लास्ट इसमें लिख लेता हूँ मैं कितने लोग हैं जिनको कुछ तो खेलते हैं वो या तो फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं ए यूनियन बी तो यूनियन बी में अब कितने होंगे एक बंदा सिर्फ फुटबॉल वाला दो चार बंदे सिर्फ क्रिकेट वाले पाँच और तीन लोग जो दोनों खेलते हैं आठ टोटल आठ लोग हो गए ठीक है ये देख लो एक बार नंबर चेक कर लो सही है कि नहीं है अब आते हैं प्रॉपर्टी पे तो एक ही प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर तुम्हें काउंट करना है कि ए और बी में मिला के कितने लोग हैं तो तुम क्या करो ए वाले काउंट कर लो प्लस बी वाले काउंट कर लो माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लो अभी ए बी सी वाले के बारे में बाद में बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पहले इस पर ढंग से देख लेते हैं तो यही एक प्रॉपर्टी है सिंपल कि पता लगाने के लिए कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों मिला मतलब ए यूनियन बी में कितने लोग हैं उसके लिए ए को ऐड करो बी को ऐड करो और ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर लो अभी सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं ये लॉजिक यहाँ से आता है जब तुमने ए ऐड किया तुम्हें क्या निकालना है तुम्हें निकालना है देखो निकाल इसके अंदर इस एरिया के अंदर कितने लोग हैं इस इन दोनों सर्कल्स को मिला के कितने लोग हैं जैसे हमारा एग्जाम्पल है इसमें आंसर है आठ तुम्हें चाहिए आंसर आठ ठीक है तो तुम क्या करोगे पहले ये वाला सर्कल रखोगे पहले तुमने ए रख लिया ये आ गया वन प्लस थ्री तुमने ये रख लिया चार लोग आ गए फिर तुमने बी वाला सर्कल रखा ये तुम्हारा ए था फिर तुमने बी वाला सर्कल रखा बी में कितने थे थ्री प्लस फोर सात क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं सात तुमने बी वाला उठाया और तुम दोनों को ऐड कर दिया तो वन प्लस थ्री और थ्री प्लस फोर कितना हो गया वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ऑलरेडी तुम्हारे पास हो चुके हैं वन प्लस फोर फाइव और सिक्स ग्यारह लोग हो चुके हैं लेकिन तुम्हें तो आठ चाहिए थे तो गड़बड़ कहाँ आ रही है करेक्शन कहाँ करनी है हमें गड़बड़ यहाँ आ रही है कि ये जो तीन लोग हैं जिन जो ए में यहाँ साइड में खड़े हुए थे जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद था तुमने तो इनको दो बार काउंट कर लिया है एक बार जब तुम ए काउंट करे थे एक बार जब तुम बी काउंट करे थे तो जब तुम एक के ऊपर एक रखोगे जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अच्छा ये बी वाला पार्ट दोबारा ऐड ना करूँ मैं क्योंकि लोग तो तीन ही हैं ना छः तो लोग नहीं हैं तीन लोग हैं जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है तो एक ही बार ऐड करो इनको इसीलिए हम बोलते हैं कि यार ये तीन वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसको सब कर लेते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा जो थर्ड स्टेप आता है पहले ए रखा फिर बी रखा इसमें से ये वाला पार्ट जो है जो ये तीन वाला पार्ट है ये माइनस कर लो क्योंकि ये दो बार ऐड हो गया तो माइनस करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा वन प्लस थ्री फोर प्लस फोर एट जो कि हमारा करेक्ट आंसर है तो इसको समझने की कोशिश करो कि हमने माइनस क्यों किया है ये एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी नाइन्टी क्वेश्चन सॉल्व कर देगी अगर तुम्हें फाइंड करना है कि ए यूनियन बी में कितने लोग हैं तो ए को ऐड करो बी को ऐड करो माइनस इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो और इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम डबल काउंटिंग कर रहे थे ये वाला जो ओवरलैप था ये दो बार आ चुका है इसको जोमेट्रिकली समझने का विजुअली समझने का तो ये तरीका हो गया एक इसको पेन एंड पेपर पर समझने का तरीका भी है मैं वो भी दिखाता हूँ ठीक है मान लो एक पेपर है तुम्हारे पास ठीक है तुमने ये पेपर ऐसे काट काट लिया ऐसे कैंची ली और इसको पूरा काट लिया इसको निकाल के बाहर रख दिया और एक और पेपर है जिसमें तुमने बी का निकाल के निकाल के बाहर रख दिया अब तुम जब दोनों को एक के ऊपर एक रखोगे और तुम ए यूनियन बी निकालने की कोशिश करोगे तो तुम इन इफेक्ट पूछ रहे हो कि इसका टोटल एरिया कितना है ए और बी को मिला के ये जो मेरा ओवल सा सरफ ये जो सरफेस बन रहा है इसको मिला के कि मेरा कितना एरिया बन रहा है तो जब तुम मिला के पूछोगे तो तुमने जब पेपर देखा होगा तो एक के ऊपर एक पेपर रखा होगा ये वाला पार्ट तुम दोबारा तो ऐड करोगे नहीं जब दो बार ऐड नहीं करोगे तो तुम्हें इसको काटना पड़ेगा चाहे ए में से काट लो चाहे बी में से काट लो एक बार काटना पड़ेगा यहाँ पर तुम देख रहे हो दो लेयर रख चुके हो तो इस लेयर को काटने के लिए तुम्हें तुम्हें करना क्या पड़ेगा तुम्हें पहले ए ऐड करना पड़ेगा फिर बी ऐड करना पड़ेगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी एक बार ऐसे निकालना पड़ेगा तो अगर तुम पेपर काट के निकालना चाहो तो देख सकते हो अपनी नोटबुक का पेपर काटो काट के देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है तो ये एक तरीका है इसको समझने का इसको वापस डिलीट करते हैं सारा एग्जाम्पल पे आते हैं ये जाएगा एग्जाम्पल तक देखते हैं नहीं जा रहा एग्जाम्पल तक वो तो रिलेट हो गया ठीक है हटाओ तो क्या फॉर्मूला हमारा यही है नहीं भी आया समझ में कोई बात नहीं हमें तो यूज़ करना आना चाहिए ए यूनियन बी पाँच दस पर कि अपने आप समझ में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है यह है फॉर्मूला नंबर वन एक और फार्मूला है तीन वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एन हटाता हूँ मैं एन तुम्हें समझ में आ गया कि क्या कह रहा है सिंपल वर्ड लिखता हूँ ए सॉरी लेटर्स लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर तीनों का निकालना है तीन ओवरलैपिंग सरफेसेज हैं ए बी और सी अब तुम देखो तुमने पहले ए ऐड कर लिया ठीक है तो तुमने ये वाला पार्ट काउंट कर लिया फिर तुमने बी ऐड कर लिया ये वाला पार्ट भी ऐड कर लिया ऑलरेडी डबल काउंटिंग शुरू हो चुकी है फिर तुमने सी ऐड कर लिया तुमने ये भी रख दिया अब तुम्हें तो वापस हटाना है क्योंकि तुमने ओवर कर चुके हो एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हो तो तुम सब्ट्राट करते हो ए इंटरसेक्शन बी तो तुमने ये वाला पार्ट वापस काट दिया फिर तुम सब करते हो बी इंटरसेक्शन सी तो ये वाला पार्ट भी काटते हो फिर सब करते हो सी सॉरी सी इंटरसेक्शन ए पैटर्न से चलेंगे ये भी काटते हो तो अब अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अब हुआ क्या तुमने ये जो अब इस पर फोकस करो ये वाला जो पार्ट है इस पर फोकस करो ठीक है ये वाला पार्ट तुमने तीन बार ऐड किया था जब तुमने एक बार ए ऐड किया था तब ये आया बी पे आया और सी पे आया तीन बार ऐड हुआ लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया फिर दोबारा सबट्रैक्ट हो गया फिर तीसरी बार सब्ट हो गया तो अब ये बेसिकली बचा ही नहीं ना तो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना अब हमारे पास क्या है बाकी सब है लेकिन ये वाला नहीं है तो हमें एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक बार फाइनली इसको ऐड करना पड़ेगा ताकि हम इसको भी ऐड कर पाएँ इस एरिया को इसको ऐड किए बिना हमारे पास सिर्फ ये बचेगा इसके इसके बाहर वाला एरिया बचेगा इसको कलर से लिखते हैं अगर तुम इसको ऐड नहीं करोगे तो तुम्हें सिर्फ ये मिलेगा येलो वाला पार्ट नहीं मिलेगा तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर टू है जब तीन लोग होते हैं तो तीनों का यूनियन अगर निकालना तो ए ऐड करो फिर बी ऐड करो फिर सी ऐड करो माइनस ये कर लो माइनस ये कर लो माइनस ये कर लो प्लस ये कर लो तो दो वाले में एक दो तीन तीन टर्म्स हैं और तीन वाले में एक दो तीन चार पाँच छः सात टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कुछ मिस तो नहीं हो गया बस ये फार्मूला या तो याद कर लो या समझ लो या फॉर नाउ रट लो फॉर नाउ ठीक है यूट्यूब पर देखोगे तुम्हें अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगे जो इनको अच्छे से समझा रहे होंगे विजुलाइज़ करके तो जब उन्होंने घंटों मेहनत करके वो बना रखी है तो फिर मैं क्यों करूँ दोबारा से तुम जाके चेक कर लो डालो सेट्स में सेट्स यूनियन ऑफ थ्री सेट्स करके देखो फार्मूला करके देखो तुम्हें मिल जाएगा कि अच्छा इसका प्रूफ क्या है विजुअली दिखा रखा होगा बट एनी हमारा काम है क्वेश्चन सॉल्व करना अभी फॉर नाउ हम अभी बेसिक लेवल पर हैं ठीक है ऐसे तो चार का भी होता है पाँच का भी होता है सारे थोड़े लिखने बैठ जाएंगे तो एक दो सेट्स का और एक तीन सेट्स का हमारे दो फार्मूले हैं तो ये फार्मूले करते क्या हैं ये फार्मूले नंबर बताते हैं और रिलेट करते हैं इन इफेक्ट यूनियन और इंटरसेक्शन को क्योंकि क्वेश्चन में तो मैं ये तो पता ही होंगे ये वैल्यूज पता होंगे इन बाकी चीज़ों इनफैक्ट सारी चीज़ें कि एक मिसिंग होगा अभी कुछ क्वेश्चन करे तो हमें समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया फार्मूले क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स पहले फार्मूला दोबारा लिख लेता हूँ मैं एक्स यूनियन वाई इजिकल्स टू एक्स किया फिर वाई किया माइनस इंटरसेक्शन ओके एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई एस फिफ्टी एलिमेंट्स तो ये फिफ्टी है एक्स एस ट्वेंटी एट एलिमेंट्स एक्स ट्वेंटी एट है वाई आज थर्टी टू एलिमेंट्स वाई थर्टी टू है हाउ मनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है माइनस ये पता लगाना है इसको क्वेश्चन मार्क डाल दो बस इतना ही है तो ट्वेंटी एट प्लस थर्टी टू कितना होता है एट प्लस जीरो ज़ीरो वन कैरी ओवर थ्री और थ्री सिक्स सिक्सटी माइनस को नाउ एक्स मान लेते हैं इक्वल्स टू फिफ्टी तो एक्स कितना हो जाएगा दस बस हो गया सॉल्व ये करना है सारी वैल्यूज़ दी होंगी ये दिया हुआ था ये दिया हुआ था ये दिया हुआ था ये, ये निकालना है देखो इन्होंने क्या किया हुआ है फिफ्टी फिफ्टी किया हुआ है एन की वैल्यू एन लिखा हुआ है तो टेक्निकली करेक्ट हो जाता है अगर तुम एन लिखो बिकॉज सेट्स तो ऐड नहीं होते ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ़ सेट्स ऐड होते हैं यू कॉन्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हो खैर सब्ट्रैक्ट की बात अलग है बट एक्स प्लस वाई कुछ नहीं होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ़ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई कुछ होता है तो जब एग्ज़ाम में लिखो तो एन ऐड कर लेना वैसे एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं करा रहा मैं बस समझा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन अ स्कूल देर आर ट्वेंटी टीचर्स वो टीच मैथ और फिजिक्स टोटल बीस टीचर्स हैं मैं तो ऐसे यूनिवर्स बनाता हूँ यूनिवर्स में टोटल ट्वेंटी टीचर्स हैं ठीक है या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं ऑफ दीज ट्वेल्व टीचर्स ट्वेल्व टीच मैथ ठीक है मैथ वाले ट्वेल्व हैं एंड फोर टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ तो ओवरलैप है यहाँ पर फोर है चार बैठे हैं जो बीच में हैं अगर चार लोग मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं और मैथ्स पढ़ाने वाले बारह हैं तो ऐसे कितने टीचर होंगे जो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे होंगे एट ट्वेल्व माइनस फोर एट आ गया ओके हाउ मेनी टीच फिज़िक्स ये निकालना है तो अब तुम फार्मूले लगाने नहीं लगाने वेन डायग्राम से भी कर सकते हो मैं फार्मूले से भी करके दिखा दूंगा बट टोटल अगर बीस थे और ट्वेल्व इस सर्कल में है तो बचे हुए पार्ट में कितने होंगे ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व यानी कि एट और चेक कर लो एट प्लस एट सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी आंसर आ गया तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स आंसर इज नॉट एट आंसर इज फिजिक्स वाला सर्कल एट प्लस फोर यानी कि ट्वेल्व तो बारह मैथ्स के हैं बारह फिजिक्स के हैं टोटल बीस हैं चार ओवर लैप है आंसर कितना है इनका नंबर ऑफ फिजिक्स ट्वेल्व सही है हमारा एक बार दोबारा दिखाऊँ क्या किया मैंने टोटल बीस थे मैथ्स में कितने बारह ये कह रहा है ऐसे कुछ लोग हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं ऐसे चार लोग हैं तो मेरे को यहाँ से क्लू मिल गया कि अच्छा ठीक है जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते होंगे वो आठ होंगे ठीक है और मुझे पता है एट प्लस फोर प्लस जो भी वैल्यू होगी वो टोटल ट्वेंटी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि या तो वो फिजिक्स पढ़ाते हैं मैथ्स पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाते तो मुझे यहाँ से पता लग गया एट प्लस वो ट्वेल्व बच्चा हुआ कितना एट तो ऐसे आठ टीचर हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं आठ टीचर हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं चार हैं जो दोनों पढ़ाते हैं टोटल ऐड करोगे तो ट्वेंटी हो गया अब फार्मूले से कर लेते हैं मैथ्स यूनियन फिजिक्स इज़ इक्वल टू मैथ्स प्लस फिज़िक्स माइनस मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स ये दिया हुआ ट्वेंटी ये दिया हुआ ट्वेल्व ये निकालना है ये दिया हुआ चार सॉल्व कर लो तो ट्वेंटी इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस फोर एट प्लस एक्स यहाँ से एक्स आ जाएगा ट्वेंटी माइनस एट यानी कि बारह खत्म मेरे को विजुअली करना पसंद है क्योंकि मेरे को फील आती है थोड़ी सी दिख जाता है कि हो क्या रहा है बट फॉर्मूले से भी कर सकते हो ठीक है और देखते हैं क्वेश्चन इन अ क्लास ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ट्वेंटी फोर लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड सिक्सटीन लाइक टू प्ले फुटबॉल तो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल ठीक है इक्वल्स टू क्रिकेट प्लस फुटबॉल माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल लिख लिया फॉमूला थर्टी फाइव स्टूडेंट्स हैं यहाँ थर्टी फाइव डाल दो ट्वेंटी फोर लैक टू प्ले क्रिकेट ट्वेंटी फोर लैक टू प्ले क्रिकेट एंड सिक्सटीन लाइक टू प्ले फुटबॉल ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स तो इससे हमें गारंटी हो गई कि हमारे जो क्लास में पैंतीस थे वो सारे के सारे या तो क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे ठीक है तो थर्टी फाइव हमने सही रखा है इसका मतलब ये हमें गारंटी गारंटी दे, दे देता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल ये निकालना है तो थर्टी फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन हो गया फोर्टी माइनस एक्स एक्स की वैल्यू हो गई फाइव कहता फाइव लैक टू प्ले बोथ बोथ गेम्स एक और करते हैं यही है वर्ट प्रॉब्लम्स ठीक है इन अ सर्वे ऑफ फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स इन स्कूल हंड्रेड वर लिस्टेड एज एपल जूस टेकिंग एपल जूस वन फिफ्टी टेकिंग ऑरेंज जूस एंड सेवेंटी फाइव वर लिस्ट एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस फाइंड हाउ मनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एपल जूस नॉर ऑरेंज जूस इसका मैं वेंडाग्राम भी बनाऊँगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है एक है एपल और एक है ऑरेंज ऑरेंज को मैं भी मान लेता हूँ ठीक है और टोटल मेरा यूनिवर्स है इन अ सर्वे ऑफ फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स तो यूनिवर्स तो मुझे पता है मेरा फोर हंड्रेड का है ठीक है हंड्रेड वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस ए की वैल्यू है हंड्रेड वन फिफ्टी एज़ टेकिंग ऑरेंज जूस बी की वैल्यू है वन फिफ्टी एंड सेवेंटी फाइव वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज तो ये आ गया मेरा सेवेंटी फाइव अब पूछा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस यानी कि इन दोनों सर्कल से बाहर यानी कि यहाँ कोने में बाहर बाहर कितने लोग पड़े हैं जो ना एप्पल जूस पी रहे हैं ना ऑरेंज जूस पी रहे हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं ए यूनियन बी थोड़ी देर के लिए इस यूनिवर्स को साइड में रखते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एप्पल वाले कितने हंड्रेड ऑरेंज वाले कितने हैं वन फिफ्टी और बोथ कितने सेवेंटी फाइव यहाँ से मेरे पास ए यूनियन बी आ जाएगा यानी कि वो आ जाएगा इतने लोग यहाँ तो एप्पल या ऑरेंज दोनों में से कुछ तो पीते ही हैं तो हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी हो गया टू फिफ्टी माइनस सेवेंटी फ़ाइव ये हो जाएगा वन कितना वन सेवेंटी फाइव ए यूनियन बी हमारा आ गया सिर्फ वन सेवेंटी फाइव टोटल बच्चे कितने थे चार सौ तो, तो देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कुछ नहीं पी रहे ना एप्पल पी रहे ना ऑरेंज पी रहे तो जो बचे हैं वो हैं फोर हंड्रेड माइनस जो मेरा वन सेवेंटी फाइव है ये आया मेरा सर्कल के अंदर का नंबर टोटल वन सेवनटी फाइव ये सेवेंटी फाइव हो गया इधर मैं निकाल के लिख देता हूँ पच्चीस पच्चीस कैसे आया टोटल एप्पल वाले सौ थे एंड सेवेंटी फाइव ड्रैंक ऑरेंज एज वेल तो ये पच्चीस हो गया यहाँ वन फिफ्टी है सेवेंटी फाइव है तो ये भी सेवेंटी फाइव हो गया ऐड करो सेवेंटी फाइव प्लस सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्लस सेवेंटी फाइव वन सेवेंटी फाइव हाँ सर्कल के अंदर का नंबर है वन सेवेंटी फाइव तो सर्कल के बाहर का नंबर कितना है जो रेक्टेंगल के अंदर है लेकिन सर्कल से बाहर है वो है फोर हंड्रेड माइनस वन सेवेंटी फ़ाइव यानी कि टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव चेक करें आंसर टू ट्वेंटी फाइव सही है ये भी हो गया आगे बढ़ते हैं

तो ये नंबर है मेरा 120, 50 टू C2 टू एंड थर्टी टू बोथ सी एंड एन सी यहीं से मैं सॉल्व करना शुरू कर सकता हूँ सोडो को जैसे सॉल्व किया होगा न्यूज़ न्यूस्वे, न्यूज़ पेपर में तो अगर ये वाला पार्ट 30 है ये पूरा 50 है सर्कल तो ये 20 हो गया ये 30 है ये पूरा 120 है तो ये 90 हो गया तो ऐड करते हैं नाइन्टी प्लस थर्टी इज़ वन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इज़ वन सर्कल के अंदर अगर वन है टोटल दो सौ हैं तो साठ हैं अभी जिनको कोई C1 भी नहीं है और C2 टू भी नहीं है ओके okay, अब आंसर्स लिखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल सीवन बट नॉट सी टू सीवन के अंदर है लेकिन C2 में नहीं है तो वो है नाइन्टी पहले का आंसर है नाइन्टी C2 टू बट नॉट सीवन वो है ट्वेंटी केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों में से कोई भी हो चलेगा तो वो इन तीनों को मिला लो नाइन्टी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी यानी कि कितना आया हमारा वन ट्वेंटी वन फोर्टी देखें चेक करें पहले का आंसर इज़ नाइनटी सही है दूसरे का आंसर इज़ ट्वेंटी सही है और तीसरे का आंसर इज़ वन फोर्टी ये भी सही है एंड वी आर डन ओह सो तीन वन डायग्राम वाले क्वेश्चन ही नहीं है इसमें तो फार्मूला क्यों पढ़ाया इन्होंने कहा गया ये रहा इन फैक्ट वी हैव एन इक्व टू एनियन बी यूनियन सी तीन वाला फार्मूला तो करा दिया लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं है चल एक्सरसाइज में होगा शायद इन इन्हें कमेटी इंग्लिश स्पेनिशन फ्रेंच नहीं इसमें भी नहीं है तो वो तीन वाला जो फार्मूला था उसको फॉर नाउ फॉर नाउ भूल जाओ बी एच पी एच डबल ओ एल भूल जाओ हो सकता है मिसलेनियस एग्जांपल्स में आ रहे हो मिसलेनियस एग्जांपल्स यूजुअली एन के मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं बट मिसलेनियस हमारे स्कोप में नहीं है फर्स्ट राउंड में हम मिसलेनियस छोड़ देंगे हाँ ये रहा एक क्वेश्चन चल कर लेते हैं या चल छोड़ देते हैं या चल कर लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल थर्टी फोर कर लेते हैं अब इतना पढ़ा है तो देख ही लेते हैं कह क्या कॉलेज अवार्डेड थर्टी एट मेडल्स इन फुटबॉल मैं एक काम करूँगा इस तरह से कराया फॉर्मूला मैं सर्कल से मैं डायग्राम से करता हूँ अ कॉलेज अवार्डेड थर्टी एट मेडल्स इन फुटबॉल ओके फुटबॉल थर्टी एट फिफ्टीन इन बास्केटबॉल बास्केटबॉल फिफ्टीन एंड ट्वेंटी इन क्रिकेट क्रिकेट के ट्वेंटी इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ फिफ्टी एट मैन ओके टोटल फिफ्टी एट मैन थे इन तीनों सर्कल्स में मिला के हमारा आंसर था यानी कि एफ़ यूनियन सी यूनियन बी ये है फिफ्टी एट ठीक है एंड ओनली थ्री मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द थ्री स्पोर्ट्स ओके तीन लोग ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिलते हैं ये जो बीच में सर इंटरसेक्शन है यहाँ तीन बैठा है ठीक है ओके हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ दीज टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स received medals in exactly exactly two exactly two का मतलब क्या हुआ exactly two का मतलब हुआ अच्छा यहाँ पर है exactly one सिर्फ football सिर्फ सिर्फ basketball और सिर्फ cricket यहाँ पर है exactly three यानी कि all three तो ये वाला जो part है मैं color से लिखता हूँ this is yellow yellow is exactly one exactly one sport में medal मिला ठीक है ग्रीन इज एग्जैक्टली थ्री तो जो बचा हुआ ब्लू है ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट इन तीनों को मिलाओगे तो तुम्हें मिलेगा एग्जैक्टली exactly टू इसके लिए तो मुझे वेन डायग्राम से काम बनेगा नहीं इसलिए तो मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा तो चलो फार्मूला लगाते हैं फार्मूला कहता है एफ यूनियन सी यूनियन बी इज इक्वल टू एफ प्लस सी प्लस बी माइनस एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एफ इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी सारे कॉम्बिनेशन डाल दिए प्लस एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सेक्शन सी ये तीन बार ऐड करके तीन बार सब किया था इसलिए वापस से ऐड करना पड़ गया अब देखते हैं कौन से कौन सी वैल्यूज़ पता हैं एफ यूनियन सी यूनियन बी पता है ये फिफ्टी है फिफ्टी है एफ पता है थर्टी है सी सी पता है ट्वेंटी है बी पता है फिफ्टीन है और एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का पता है ये है तीन ठीक है अब ये वाली वैल्यू बच गई जो निकालनी है हमें ये क्या है एफ़ इंटरसेक्शन सी एफ़ इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी ओके पहले ये निकालते हैं पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे क्या है मेरे पास फिफ्टी एट इक्वल्स टू ऊपर करता हूँ ना मैं ये इतना बड़ा बड़ा एक्जैक्टली टू लिखा हुआ है इस जगह बचा लेते हैं मिटाने की ज़रूरत नहीं है ओके okay. अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है ठीक है एक तरफ लिखा हुआ फिफ्टी एट और इस तरफ लिखा हुआ है थर्टी एट प्लस ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन माइनस ये तीन टर्म्स तीन टर्म्स मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा प्लस थ्री नीचे लिखे हुए टर्म्स देख लो अपने आप ओके तो ऐड सब करते हैं मैं स्लो हो गया उस पर एड सप में 58 और 38 माइनस करते हैं ये आ गया 20 तुम अपने हिसाब से माइनस कर लो तुम्हें जैसे करना आता है 20 और ये कैंसिल हो गया जीरो इधर बचता है फिफ्टीन और है 3, 18. तो ये बचता है थ्री एटीन तो इन तीन टर्म्स का सम हो गया एटीन तीन टर्म्स इक्वल्स टू एटीन अब अब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि एटीन है क्या एटीन आ तो गया लेकिन ये है क्या दिस एटीन इज एक्चुअली द सम ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी एफ इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी यानी कि यानी कि मैं और एक कलर लेता हूँ यानी कि ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट ठीक है एफ इंटरसेक्शन बी एफ इंटर तो ये जो छोटे शोट छोटे ओवल्स बने हुए हैं ओवल चांद वाले जो शेप है जैसे भी इसे बोलना चाहो बोल सकते हो ओवल नहीं है एक्जैक्टली exactly, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो एटीन आएगा हमें चाहिए सिर्फ ब्लू वाला पार्ट तो जब हमने इन तीनों को ऐड किया होगा ऑरेंज वाले पार्ट्स को तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हर बार ऐड हो गया होगा जब तुम हर इंटरसेक्शन में तुम्हें ये ग्रीन वाला पार्ट मिल रहा है तो तुम्हें ये ग्रीन वाला पार्ट हटाना है कितनी बार हटाओगे अगर तुम्हें सिर्फ ब्लू चाहिए तो एक दो तीन तीन बार ऐड किया तो तीन बार हटाओगे माइनस ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको तुम तीन बार हटाओगे ये एटीन माइनस नाइन यानी कि टोटल फाइनल आंसर तुम्हारा नाइन हो जाएगा पर पहले आंसर चेक कर लेते हैं फिर इसको और ढंग से समझेंगे आंसर है ए प्लस बी प्लस सी इज़ नाइन विच इज़ द नंबर ऑफ पीपल वो गॉट मेडल्स इन एक्जैक्टली टू ऑफ दी स्पोर्ट्स हमारा आंसर सही है ठीक है किया क्या हमने पहले तो हमने फार्मूला लगाया उससे हमारे ये वैल्यू आ गई एफ इंटरसेक्शन सी एफ इंटरसेक्शन पी और बी इंटरसेक्शन सेक्शन सी ये है क्या ये है ये वाला इंटरसेक्शन ऑरेंज वाला पार्ट प्लस अनदर पार्ट प्लस अनदर पार्ट तो उसमें हमें जो चाहिए जो कि ब्लू पार्ट है वो तो हम एक एक बार ऐड कर रहे हैं बट साथ में ग्रीन वाला पार्ट भी ऐड कर रहे हैं तीन बार जो कि हमें नहीं चाहिए बिकॉज दैट्स नॉट एग्जैक्टली टू दैट्स एग्जैक्टली थ्री तो इसको माइनस करना पड़ेगा और एक बार माइनस नहीं करना पड़ेगा तीन बार माइनस करना पड़ेगा बिकॉज हम तीन बार ऐड कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती सिर्फ फॉर्मूले से नहीं हो रहा था और सिर्फ ग्राफ सिर्फ विजुअली नहीं हो रहा था दोनों को ऐड किया कंबाइन किया थोड़ा सा लॉजिक लगाया और फिर आंसर आया तो ये दिस माइट बी द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑफ दिस चैप्टर तो अगर ये नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है मिसलिनियस वाला पार्ट है ठीक है बाकी तो आसान ही होंगे अगर मिसलिनियस ट्राई करनी है तो कर लेना बट मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट एक्सरसाइज वन तक तो हो जाना चाहिए वन पॉइंट सिक्स बहुत स्ट्रेट फॉर्व है सिर्फ दो वाले क्वेश्चन हैं ठीक है एंड विद दिस हमारा ये सेट्स चैप्टर ख़त्म हो जाता है कुल cool.